घर वालों ने तो ये भी बोल दिया था कि बेटा बोले कि अब आप बंद कर दो, अब आपसे ये नहीं होने वाला है। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि घर वालों का सपोर्ट था शुरू में जब आप MBA करे, उसके बाद आपने जॉब करी, उसको स्विच किया, उसके बाद इस बिजनेस में आए, तो घर वालों का सपोर्ट था शुरू में या फिर उन्होंने बोला था कि ये बिजनेस क्यों कर रहा है ऐसा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ देवड़ा गोट फार्म पे और हमारे साथ है अविनाश देवड़ा जी। देवड़ा जी नमस्कार। नमस्ते उदित जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि शुरू में आपने जिस फार्म का वीडियो बनाया है उसका फिर से वीडियो बनाइए और देखिए वो फार्म चालू है या बंद हो गया है। तो इस कारण में ये जो वीडियो है ये आपके फार्म का विजिटिंग का वीडियो है। तो 2 साल हो गए हैं अपने वीडियो बनाए हुए, तो आप वीडियो में आपके फार्म को विजिट करवा दो हमको, ठीक है? उदित जी, हमारा गोडाउन है ये वाला, ये अच्छा, क्योंकि बकरी फार्म के साथ में हमारा जो खेती बाड़ी का भी जो सामान आता है, यहाँ पर फसलें आती है वो यहाँ पर रखते हैं हमको। अच्छा, घर के हिसाब से हमने ये गाय और भैंस वगैरह भी हमने रखी है जी। ये क्या ऑफिस बना दिया आपने उदित जी? ये हमारा ऑफिस है ये जी। ऑफिस में हमारे ये सर कि जो बाहर से विजिटर आते हैं जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनके लिए हमने ये ऑफिस हमने बना के रखा है ये वाला। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट में मेडिसिन के लिए पूरा जी सर, ये हमारे मेडिसिन का है यहाँ पर ये। अच्छा। इसमें हम सारी मेडिसिन रखते हैं जो कि एक बकरी फार्म वालों के लिए जरूरी रहती है वो जी। आइए, ये अभी बनाया है आपने? हाँ सर, ये इसको 6 महीने के आसपास हो गया हमारे इसको बनाया हुआ। अच्छा, आप इस पे जितने भी आप जो पोस्टर्स आप देखेंगे सर, ये हमारे हमारे फार्म के ही सारे जानवर हैं ये जी। ये हमारे छोटा सा ये चैम्बर है यहाँ पर है ये जी। ताकि क्या है कि विजिटर अगर आते भी हैं सर ये, तो विजिटर को वेटिंग रूम के लिए जगह भी चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के लिए। दूसरा रहता है कि जो ट्रेनिंग वाले भी आते हैं सर जी, तो उनके लिए भी हमने ऑफिस हमने बना के रखा है सर। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी अभी ऑर्गेनाइज करते हो जी? ट्रेनिंग भी देते हैं ना सर। अच्छा ठीक है, तो अभी फार्म दिखा देते हैं। अच्छा, ये आपका फार्म है जी, और ये आपके फार्म का एड्रेस है और ये देवड़ा बकरी फार्म भी लिखा हुआ है जी। थोड़ा अपना फार्म का एड्रेस बता दें उदित जी। मेरा जो फार्म है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम अजंदा में है स्थित है ये जी। ठीक है, फार्म दिखा दें आपका उदित जी। हमारा एड्रेस गेट है ये जी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पहला सेक्शन है ये जी। इस वाले पहले सेक्शन में हमारा पूरा मेल कंपाउंड है ये। इस वाले मेल कंपाउंड में हम 7 महीने से लगाकर साल भर 2 साल तक के जानवरों को हम इसमें हम रखते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि कौन कौन से जानवर है इसमें? आइए, सभी अंडूले? हाँ सर, सभी पूरे अंडूली जानवर, मतलब मैक्सिमम आप मैं काम जो करता हूँ सर वो अंडूली जानवर के ऊपर ही मैं काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये ना सारे सिरोही के बच्चे हैं जो 7 महीने 8 महीने 9 महीने के आसपास तक के हैं वो। इसके साथ में मेरे पास में सोजन के भी रखे हुए हैं। अच्छा, जो व्हाइट वाले जो सो जाते हैं अभी। अच्छा। आप इधर पीछे देखेंगे तो ये अभी हमने तैयार किए इस वाले बच्चे को हमने, ये नागौरी में सर बच्चा है। ये सभी होम ब्रीड है? सारे होम ब्रीड है सर ये। अच्छा, क्योंकि देखिए मेरा जो मेन मेरा जो पर्पस है वो प्रोडक्शन के ऊपर मेरा ज्यादा मेरा फोकस रहता है सर। अच्छा, आप ट्रेडिंग पे काम नहीं करते? काम ट्रेडिंग पे नहीं करता हूँ सर, सब फार्मिंग में होम ब्रीड में ज्यादा मैं तैयार करता हूँ सर। अच्छा, जो अपना फार्म है वो ब्रीडिंग के हिसाब से पर्पस के हिसाब से होता है सर। अच्छा, ये फीडिंग का है? हाँ सर, ये फीडिंग का है ये। अच्छा, थोड़ा बताइए इसके बारे में कि जो जमीन से इसकी हाइट कितनी दी और इसकी क्या गहराई कितनी है? देखिए उदित जी, इसकी जो हाइट दी हुई है ये जी, ये मान के चलिए कि 18 इंच के आसपास है ये। अच्छा, जमीन से 18 इंच के आसपास की है। इसकी जो गहराई हमने ली है जी, वो गहराई हमने 10 इंच के आसपास ली है इसकी जी। आप ये जो गैप देखेंगे ये जी, मतलब जो अपना फीडर है, फीडर और पाइप के जो बीच की जो गैप है जी, पूरा एंगल लगा रखा है, एंगल लगा, इसके बीच की जो गैप है ये 9 इंच के आसपास। 9 इंच, आप 9 से 10 इंच के आसपास आप ले सकते हैं, जिससे क्या है कि
जानवर बड़ी आसानी से अंदर गर्दन डाल सकता है जी, और वो बाहर निकाल सकता है सर। अच्छा, ये फिक्स है, ये सीमेंट से आपने फिक्स कर रखा है? फिक्स करके रखा है सर। हाँ, इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा मूवेबल है। अच्छा, अगर मैनुअल है? हाँ, अगर आप चाहे, अगर आप इसको थोड़ा कम ज्यादा करना चाहे इसको, तो हमने इसके ऊपर हमने लगा के रखे, जो इसमें होल करके रखे हैं, आप इनको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं सर। अच्छा, जो ये पहला सेक्शन आपका है जी, कितने बाई कितने का है ये? देखिए सर, मेरा जो पहला जो मेरा जो शेड बना है, ये 20-45 का है ये वाला, ये पूरा शेड है, पूरा शेड बना। अच्छा, जो दो सेक्शन बने हुए, दो सेक्शन बने हुए इसमें। अच्छा, जो ये पहला सेक्शन है इसका, ये सर मान के चलिए कि 22.5 फीट बाय 20 का है ये। अच्छा, हाँ। इतना जो है इसमें, हाँ। आप कितने जानवर रख सकते हो? लगभग ये 400 के समथिंग हुआ है ना, 400 स्क्वायर फीट तक हुआ जी, तो इसमें कितने जानवर रख सकते हो? अगर अगर अपन 7-8 महीने अगर अपन जानवर रखते हैं जी, तो इसमें हम अपन 35-40 जानवरों को हम इसे बड़े आसानी से इसके अंदर हम रख सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये थी कि अगर आपके जानवर अगर का साइज बड़ा होगा जी जी, तो सर क्वांटिटी भी कम हो जाएगी सर। अच्छा, और ये जो इसकी छत है ये टीन सेट की बना रखी है? हाँ सर, एक टीन सेट में मेरे पास में प्रोफाइल चद्दरें लगी हुई है जी। आप इसकी जो हाइट देखेंगे, ये हाइट हमने 11 फीट के आसपास इसके रखी है हमने जमीन से। जमीन से? अच्छा, और ये हमने जो चद्दर लगाई है सर जी, ये 24 फीट लंबी चद्दर है ये वाली। 24 फीट? हाँ, क्योंकि हमने इसको थोड़ी से बाहर भी इसको निकाल के रखी है। अच्छा, ये जैसे बाहर, क्योंकि ये 20 फीट का तो सर हमारा जो शेड ही बन गया है ये जी। 2 फीट हमने इसको अंदर लगाया, बाहर निकाला है इसको शेड से बाहर, और 2 फीट हमने इसको दीवार के अंदर हमने इसको लगा के रखा है। अच्छा, ये जाली बना रखी है? हाँ सर, ये वेंटिलेशन के लिए हमने जाली लगा के रखी है वाली। अच्छा, जैसे ठंड में दिक्कत होती होगी? देखिए उदित जी, हर मौसम के अनुसार अपने को प्रबंधन करके रखना पड़ता है शेड के। अभी इसके पहले बरसात थी और अब जब ठंड आने वाली है ये, तो जैसे ठंड आएगी सर, तो ये जो वेंटिलेशन हमने जो लगा के रखे इसके ऊपर हम कर्टन डाल देंगे हम, ताकि क्या है कि जो ठंड जो लगने रहेगी, ठंड इनको लगेगी, वो ठंड से इसको बचाया जा सकता है सर। अच्छा, गर्मी के सीजन में रहेंगे तो चले कटन हटा देते हैं, और जो पंखे जो चलते हैं सर जी, वो पंखे गर्मी से चलते रहते हैं सर। अच्छा, ये वो फीडर दिख रहा है? हाँ सर, ये इसके बारे में बताइए। हाँ सर, ये हमारा, हमने लोहे वाला फीडर हमने बना के रखा है। ये अगर फार्म के अंदर या फिर हमने कंपाउंड के अंदर जानवरों की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है जी, तो फिर हम इस वाले फीडर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरे पास में क्या है कि मेल थोड़ा कम अभी मेरे पास में जी, तो हम वो फिक्स वाली जो फीडर है उसी में खिलाते हैं। अगर हमारे पास मेल और बढ़ जाएंगे तो फिर हम क्या हम इस वाले फीडर के अंदर हम खिलाने काम चालू करते हैं। ये ब्रीडर है आपका? हाँ सर, ये मेरे पास में 2 ब्रीडर है सिर्फ के। अच्छा, एक ये है जो मुंडा है जी, और एक सर बाहर बैठा हुआ है। इसके बारे में बताइए कि कितनी बकरियां प्रेग्नेंट कर दी और कितने साल से आपके फार्म पे है? जी, इसको 2.5 साल प्लस में हो गया ये वाला बकरा हो गया है, और अभी तक ये मान के चले कि इसने 200-250 से ऊपर इसने क्रॉस कर दिया है। अरे ऐसा? इसने या दोनों ने? दोनों ने करके रखे। अच्छा अच्छा, क्या है सर कि मैं अपने दोनों बकरों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि क्या है कि मुझे प्रोडक्शन बहुत अच्छा इनसे मिलता है। क्या इनके लिए कुछ स्पेशल खुराक? देखिए उदित जी, खुराक में क्या है कि जिन ब्रीडर को आपको तैयार करना रहता है जी, उनकी खुराक तो आपको अलग से आपको इनको देनी पड़ती है आपको जी। नॉर्मली अगर अपन जो नॉर्मल फीड अपन देते हैं कि 400-500 ग्राम के हिसाब से अपन इनको दाना देते हैं सर, तो नॉर्मली 1 किलो के आसपास से दाना खा जाते हैं सर। पर डे? हाँ पर डे। अरे बढ़िया, तो वो हो भी ऐसे रहे हैं? हाँ, अभी तक कोई कमजोरी भी नहीं दिख रही इनमें? अभी क्या है कि हमने इनका बॉडी वेट हमने कम किया है। अच्छा, ये 110-115 किलो के आसपास के थे ये। अच्छा, तो अभी इनको 90 kg के आसपास लेके आए। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि अगर ज्यादा बॉडी वेट अगर उठा लेते हैं बकरे, तो जो छोटी जो पटे रहती है बकरे रहती है, उनकी कमर टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह से क्या है कि इनका हमको थोड़ा सा बॉडी का जो वेट है वो हमको मेंटेन कर रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा दांत दिखा दें इनका जी। ये देखिए सर कितने हैं, ऑलमोस्ट 4 दांत कंप्लीट हो गए हैं इसके। अच्छा, ये देखिए। हाँ हाँ, ये देखिए, और छठे दांत का इनके रनिंग नहीं है। अच्छा, ये बाहर का ओपनिंग पोर्शन है? हाँ जी, ये ओपनिंग पोर्शन है मेरा ये वाला जी। जितना इनको रहने के लिए जगह दी गई है उतने डबल स्पेस इनको घूमने के लिए सर हमने जगह दी है यहाँ पर। क्या है कि जानवर अपने हिसाब से खाएगा पिएगा और बाहर घूमने के लिए चाहिए। अच्छा, ये सेकंड वाला ब्रीड है जो बोल रहे थे, ये सभी होम ब्रीड है आपकी? हाँ सर, सारी होम ब्रीड है मेरी अपनी। अच्छा ठीक है सर, ये हमारा सेकंड नंबर का जो सिरोही का है ये। अच्छा, ये ब्रीडर है हमारा, ये वाला। हाँ ये भी शानदार है।
इसका भी वजन इतना ही होगा? इसका वजन भी इतना ही, ये दोनों भाई हैं सर ये। अच्छा अच्छा, ये दोनों भाई हैं, ये एक मुंडा है और एक सिंह वाला है। सिंह वाला है हाँ। अच्छा, किसी के दोनों आदमी हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते? रह नहीं सकते ये। अच्छा अच्छा, सेल के लिए है ये? नहीं सर। अच्छा, अभी सर सेल के लिए नहीं है ये। अच्छा, ये वाला? हाँ सर, ये सेल के लिए है। सोजत है? हाँ सर सोजत है। सोजत सर मेरी होम मेड ही तैयार की हुई मेरी। क्या एज होगी इसकी? सर ये मान के चले इसके 4 साल इसके हो गए हैं इसके कंप्लीट। अच्छा, तो देवड़ा जी तो ज्यादातर सिरोही का काम करते हैं ना, सोजत कहाँ से आ गई ये बीच में? सोजत का ऐसा सर कि जो मेरी जो होमबिड जो मैंने तैयार की हुई है हाँ। जो अपने क्लाइमेट के अपने घर के हिसाब से जो सेट है सर हाँ। सर मैं उन्हीं के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सर मैं ज्यादा इतना सोजत का शौकिया नहीं हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, मेरी जो सबसे पसंदीदा ब्रीड है सर वो सिरोही है। सिरोही वो तो दिख ही रही है ना। ठीक है, सेकंड सेक्शन दिखाइए आप। उदित जी आइए, ये हमारा सर सेकंड पोर्शन है वाला ये। अच्छा, ये चुन्नू मुन्नू ये सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। हाँ, ये सर अभी 24 घंटे ही सर उसको इस बच्चे को आया। ऐसा? अच्छा आइए, ठीक है। सेकंड नंबर का हमारा सेक्शन है। अच्छा, ये सर पूरा बच्चों वाला हमारा कंपाउंड है। ठीक है, बताइए। छोटे बच्चों के हिसाब से सर हमने फिगर बना के रखा है ये वाला। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर कोई बनाना चाहे तो किस तरह बनाए? उदित जी, फीडर बहुत से प्रकार से मॉडिफाई हो सकते हैं ये जी। ये मेरे बहुत पहले से मेरा ये बना हुआ फीडर था। ये बच्चों के हिसाब से फीडर है सर। ये इसकी जो हाइट है सर ये 1 फीट के आसपास है। ये 12 इंच की है। अच्छा, हमने ये वाली जो गैप रखी है जी, कि जानवर जो इसके अंदर जो मोड़ के खाने की जो जगह है ये वाली, ये हमने सर 5.5 इंच के आसपास की है। 5.5 इंच जी। अच्छा, ताकि क्या है कि छोटा से छोटा बच्चा भी इसमें बड़े आसानी इसके अंदर। चौड़ाई कितना होगा सर इसकी? जो चौड़ाई है वो 5 इंच के आसपास। 5 इंच 5x5। और एक और आप ऑप्शन कर सकते हैं कि आप इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 5 इंच रखें आप ये वाले, और ये जो बीच के जो एंगल है ये वाले जी चौड़ाई ना लगाए, ये इनको ना लगाए आप। नॉर्मली अगर आप सिर्फ 5 इंच की आप अगर सिर्फ सिंगल आप सड़िया भी लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा सर। अच्छा, ऐसे खन खन बनाने कोई मतलब नहीं? मतलब नहीं है। अच्छा, आप डायरेक्ट सिर्फ आप ये वाला सरिया लगा सकते हैं। एक सरिया लगा के भी आपका काम कर सकते हैं सर। अच्छा, 5 फीट पे? 5 इंच पे, सॉरी 5 इंच पे। जी जी, ठीक है ना। सारे छोटे बच्चे हैं, 1 दिन से लगाकर उदित जी 6 महीने तक के बच्चे हैं इस वाले सेक्शन में हम रखते हैं। अच्छा जी, ये वाला ये बच्चों वाले सेक्शन में एक और हमारा छोटा सा सेक्शन है जी, जिसके अंदर हम 1 दिन से लगाकर 30 दिन तक के बच्चों को रखते हैं। अच्छा, उसका रीजन ये है कि जो ज्यादा जो छोटे बच्चे रहते हैं सर जी, उन छोटे बच्चों को बड़े बच्चे परेशान ना करें, मारेंगे उनको, इसलिए उनको क्या कि नाइट में हम इस वाले छोटे सेक्शन में हम रखते हैं नाइट में। अच्छा जी जी, ये भी इनके रहने की प्लस खाने की जगह, दूसरा ये सामने उदित जी इनके घूमने की जगह। अच्छा, आप जैसे देखेंगे कि हमने ये लकड़ी के गुटके भी आपने रख रहे हैं, ये बच्चों के एक्टिविटीज के लिए ही हो रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे दूध पी के आते हैं वो, उसके बाद क्या इनके ऊपर चढ़ना खेलना कूदना, बच्चे जितना एक्सरसाइज करेंगे बच्चे उतने हेल्थी होंगे सर वो जी, और जो दूध उन्होंने जो पिया है वो उनके पचने में भी सहायता करता है सर वो। अच्छा, तो ये थोड़े मल्टीपर्पज के तौर पर हमारे लिए काम नहीं, ये होता है जी। मैक्सिमम फार्म पे जी इस तरह के लकड़ी के गुटके रखते हैं। देखिए, जैसे बच्चे क्या है कि बाहर जैसे धूप में से बैठे हुए हैं ये वाले, ये धूप खाने के लिए। हाँ, उनका जब मन हुआ तब बाहर आ गए जी, जब ज्यादा धूप लगी तो अंदर चले गए। ये यहाँ पे फोर्थ सेक्शन लिख रखा है। ये देखिए उदित जी, वो हमारा 3rd सेक्शन है वो जी, और ये हमारा 4th सेक्शन है। अभी ये वाला सेक्शन दिखा दो। हमारे 4th सेक्शन में चलता है। 3rd वाले सेक्शन में सारी प्रेगनेंसी पीरियड वाली बकरियां हैं जी, और हमारे 4th वाले सेक्शन में जिन बकरियों ने बच्चे दे दिए जी, उन वाली बकरियों को हम इसके अंदर हम रखते हैं हमको। अच्छा, चलिए जस्ट सामने। हाँ, जस्ट सामने, ताकि क्या है कि जिन बच्चों को हमको दूध पिलाना रहता है तो वो थोड़ा हमारी आसानी हो जाती है, जिन बच्चों की जो माएँ रहती है उन माओं को लेके आ जाते हैं और सामने हम बच्चों को हम दूध पिला देते हैं। अच्छा ठीक है, दिखाइए। हाँ, ये शानदार कलेक्शन है देवड़ा जी। जी, पहले जानवर दिखा दूँ? हाँ, आप पहले सारे जानवर दिखा दीजिए। क्या खिला क्या रहे हो देवड़ा जी? उदित जी, खिलाने में इनको अभी चल रहा है मसूर का चारा चल रहा है जी। मसूर के चारे के साथ में इनको चने का, मूंगफली का पाला, तुअर का और सोयाबीन का मिक्स करके इनको हम दे रहे हैं थोड़ा। आइए
उदित जी सेम इसी प्रोसीजर है जो आपने मेरे पहले वाले सेक्शन में आपने देखा था। अच्छा वही साइड साइज वही होगी? नहीं साइज थोड़ा सा इसमें बड़ा है सर। अच्छा आप मेरे जो जो बकरियों का जो शेड है सर ये वाला 27x45 का मैंने शेड बना के रखा है सर। 27x45 के अंदर मैंने दो शेड बना के रखा है। अच्छा प्रोसीजर है सर, खाने के लिए सेम वेसल सिस्टम रखा है मैंने। अच्छा खाने के लिए से फीडर मैंने रखा है फिक्स वाले और पीने के लिए मैंने से बाल्टी का सिस्टम का मैं यूज़ कर रहा हूँ सर। अच्छा जी सारी ये बच्चे वाली बकरियाँ हैं? हाँ। और कुछ प्रेग्नेंट भी होगी? प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं। अच्छा ये फोर्थ सेक्शन है? ये फोर्थ सेक्शन मेरा सारी प्रेगनेंसी पेड वाली बकरियाँ रहती है सर। अच्छा और हमारे जो दो अपने जो ब्रीडर मैंने देखी है उन्हीं दो ब्रीडर से सारी बकरियाँ क्रॉस है मेरी बनी है। अच्छा मतलब आप यहाँ से कोई परचेस करता है तो प्योर ब्लड लाइन वाली? देखिए सर उदित जी आप मुझे इतने समय से आप मुझे जानते हैं मैं सिर्फ मैं प्योर ब्लड लाइन के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। जी 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 बिल्कुल जी। वो देवड़ा जी सिरोही में ही फेमस है ना, क्योंकि आपको सिरोही बकरियाँ ज़्यादा पसंद आती है, उसका कारण थोड़ा बता दें ताकि जैसे क्या होता है बहुत से भाई सिरोही पसंद नहीं करते हैं, वो वाइट बकरियाँ पसंद करते हैं जैसे सोजत है जी, मालवा है जी। तो आप सिरोही क्यों पसंद करते हैं, इसका कारण क्या है, क्या खासियत है इनकी? उदय जी देखिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है पसंद करने की होती है। मुझे सिरोही मुझे ये मान के चले कि जब से मैंने अपना फार्म मैंने स्टार्ट किया है जी तब से मुझे सिरोही बकरियों का बहुत शौक है मुझे। अच्छा सिरोही बकरी का ये मुझे फायदा मिला है कि इन बकरियों को एक तो जो इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी है, वो दूसरी कि इनकी अच्छी हाइट हेल्थ है, इनकी मौसम के अनुसार ये अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेती है और कहीं पर भी जाती है ये तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10 से 15 रोज के अंदर ये अपने हिसाब से ढल जाती है बकरियाँ। आप इनको कुछ भी खिला सकते हैं, आपके पास अगर सूखा चारा तो सूखे चारे के ऊपर भी जिंदा रह जाएगी और अगर आपके पास सिर्फ हरा चारा है तो हरे चारे के ऊपर भी सर्वाइव कर जाएगी। इनको पालना इतना कठिन काम नहीं है जितना दूसरी पीढ़ियों को है वो। अच्छा हो सकता है कि बहुत सौ को दूसरी पीढ़ी पसंद आती है वो, पर आपको तो पता होता है कि मुझे तो सिर्फ सिरोही पेड़ सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान जाता है ये वाला है। अच्छा इसकी खासियत एक ये भी होती है जी, जैसे इसका जो दूध है जी, है ना, बकरियों का जो दूध है इसके तन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और दूध अच्छा होने का कारण क्या है, बच्चा भी हेल्दी रहता है। जैसे कोई भी बच्चा अगर हेल्दी हो तो उसका कारण है कि अगर उसकी माँ का दूध अच्छा है तो वो अच्छा हेल्दी रहेगा। देखिए उदय जी ऐसा तो इसका दूध कैसा है? देखिए उदय जी सिरोही बकरी का जो दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास में रहता है सर। अच्छा अच्छा जी। अभी मेरे पास में जितने ये वाले जी इसके थन अच्छे हैं? हाँ इसके भी हैं, मैक्सिमम मेरे पास बकरियाँ प्रेगनेंसी पेड वाली है इसलिए आपको इतना आपको ज़्यादा दूध इसका दिखेगा नहीं अभी, बाकी 1 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर के आसपास तक इन बकरियों का दूध जाता है जो बच्चों के लिए पर्याप्त रहता है इतना दूध ये। अच्छा ये जैसे कि हर सेक्शन के बाहर भी आपने ओपनिंग पोर्शन दे रखा है तो ये भी इनके लिए वो ये ओपन पोर्शन है? उदय जी मेरे हर एक सेक्शन के बाहर इनके लिए ओपन ग्राउंड है जी, बकरियाँ अपनी इच्छा से खाती है और अपनी इच्छा से बाहर घूमती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन बकरियों ने आराम से खा पी लिया है अब वो बाहर आराम करने के लिए आ गई है, वो जितना रहने की जगह है उससे डबल इससे इनके लिए घूमने की जगह मैंने यहाँ पर लगा के रखी है वो। जी जी वो तो दिख रहा है। जैसे आपने उदय जी दूध के लिए उदय जी जैसे आपने मुझे एक बात बताई थी दूध के लिए आपने बात करी थी कि सिरोही बकरियों का दूध अच्छा है तो जिसमें आपको एक बकरी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये बच्चे वाली है जी सर, इसके देखिए आप उसके थनों का देखिए साइज देखिए उनका। एक ये जो जितनी बैठी हुई है ये देखिए मतलब ये दूध पिलाने के बाद भी इतना दूध अभी इनके अंदर बचा हुआ है। इनका मिल्क सेल करते हो आप? ये देखिए देखिए सर मिल्क सेल तो नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि जितना भी जो मिल्क रहता है वो मैं स्पेशल अपने छोटे बच्चों के लिए मैं तैयार में करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं जी। हाँ अगर कोई भाई अगर मिल्क का करना चाहे वो तो आप इसका बकरी के दूध को निकाल कर आप इसको डेयरी में दे सकते हैं, बकरी का भी जो दूध का जो रहता है जो फेट रहता है वो गाय के बराबर अपने को फेट इसका मिल जाता है। जी 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 कितने एरिया में फैला है अपना ये फार्म? उदित जी अगर देखा जाए तो मेरा ये जो पूरा जो
फार्म है मेरा ये 1.5 बीघा के आसपास मेरा बना हुआ ये जी। बाकी मेरा जो कवर्ड एरिया है वो मेरे दो ही शेड मेरे इसमें बने हुए हैं, 20-45 का है जी और 27-45 का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर भी मैंने ये लकड़ी गुटके स्टाइल गुट्टे में लगा के रखे ताकि बकरियों को थोड़ी एक्टिविटीज हो जाएगी। अच्छा ये बाहर मैंने गार्डनिंग के लिए प्लस ये है कि इनके अंदर मैं सुबबुल और गुलाब भी मैंने लगा के रखा है। अच्छा बाहर आप छोड़ते हो इनको? नहीं सर बाहर छोड़ता नहीं हूँ मैं। होता क्या है कि ये जो मैंने जो पौधे लगा के रखे हैं जी ये पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो मैं इनकी कटिंग करके इन बकरियों को मैं अपने फार्म के अंदर में इनको खिलाता हूँ मैं ये। अच्छा अच्छा बाकी सर ये टोटल स्टॉल फीड के ऊपर ही मैं तैयार करता हूँ मैं अपने जानवरों को। अच्छा जी ग्रेजिंग का कोई ग्रेजिंग का काम नहीं है सर। हाँ अगर जो कस्टमर मेरे से जो खरीद के जो लेके जाते हैं वो जी तो वो इनको ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं वो जी। कंडीशन ये रहती है कि थोड़ा सा उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। एटलीस्ट कम से कम 15 रोज तक जो मेरे घर का जो फीडर है वो फीड आपको उसी हिसाब से आपको उस पर चलाना पड़ता है सर। देवड़ा जी आप बताइए जैसे बहुत से भाइयों के मन में ये सवाल रहते हैं जी आपका जो फार्म है जी ये कितने साल हो गए इसको खोले हुए? उदय जी मेरे फार्म को ये मान के चले के हो गए आज से कम 6 साल के आसपास हो गए सर। अच्छा फार्म चालू किए मुझे 6 साल हो गए। हाँ 6 साल हो गए हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि अविनाश देवड़ा जी कौन है और इनका आपका एजुकेशन क्या है? उदय जी देखिए अविनाश देवड़ा आप लोगों की तरह एक आम इंसान है वो। बस ये मेरा एजुकेशन ये था कि मैंने अपना BSc कंप्लीट किया। BSc के बाद फिर मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। 1 साल जॉब करी मैंने मार्केटिंग फील्ड में और फिर वो स्विच करने के बाद फिर मैंने अपना बकरी फार्म को स्टार्ट किया। परेशानियाँ भी आई और उन परेशानियों के बारे में मैंने आपसे मैंने डिस्कस भी किया था। अच्छा थोड़ा पब्लिक को बता दें क्या क्या परेशानी आई है थोड़ा सा बताइए ताकि जैसे क्या होता है ये जो बिजनेस है जी पहले जैसे गवार लोग बोलते थे ना मतलब जो किसान लोग है ना उस टाइप के लोग सोचते थे कि वही ये बकरी पालन कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से प्रोफेशनल लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं ठीक है तो थोड़ा दिखाइए कि आपको किस तरह का फेस करना पड़ा जब आपने शुरुआत करी थी तब। देखिए उदय जी सीधी सी बात है कोई सा भी आप नया काम आप स्टार्ट करते हैं आप तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप उसका नॉलेज ले लें जी। और मुझसे यही मुझसे गलती हो गई थी शुरुआत में। मैंने अपना फार्म तो मैंने स्टार्ट कर लिया बाकी मेरे पास में नॉलेज नहीं था जी। उस नॉलेज ना होने की वजह से मुझे शुरुआत में मुझे बहुत मुझे नुकसान उठाना पड़ा। घर वालों ने तो ये भी बोल दिया था कि बेटा बोले कि अब आप बंद कर दो अब आपसे ये नहीं होने वाला है। अच्छा मेरा पूछने का मतलब ये है कि घर वालों का सपोर्ट था शुरू में जब आप MBA करे उसके बाद आपने जॉब करी उसको स्विच किया उसके बाद इस बिजनेस में आए तो घर वालों का सपोर्ट था शुरू में या फिर उन्होंने बोला था कि ये बिजनेस क्यों कर रहा है ऐसा इस टाइप का कुछ भी नहीं बोला आपको? जी, सपोर्ट तो नहीं था मेरा। अच्छा बात आपको बताऊं मैं जी घर वालों ने मुझे मना कर दिया था इस चीज के लिए कि बेटा बोले कि आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप इस वाले बिजनेस को क्यों कर रहे हो आपके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है आप वो वाला काम भी कर सकते हैं आप वो। और उदय जी मेरा एक लक्ष्य था कि क्यों ना कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए कि जिसे अपन अपने घर पे भी रह सकते हैं अपने घर के साथ में अपने खेतों का भी काम अपन दे सकते हैं और अपने बकरी फार्म भी अपना चला सकते हैं वो। इसलिए मैंने इस वाले फील्डों को मैंने चूज़ किया। और देवड़ा जी जैसे कि आपके 6 साल हो गए इस फील्ड में ठीक है कौन कौन सी परेशानी आई और अगर कोई नया भाई इस बिजनेस को करता है ठीक है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए ये थोड़ा सा आप बता दें। उदय जी बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा मैं कि जिन भाइयों को अगर बकरी फार्म अगर करना है तो बकरी फार्म को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले उसका नॉलेज ले लें आप भाई बकरी के बारे में जानने की एक्चुअल में बकरी है क्या जी। दूसरा ये है कि अगर आप बकरी फार्म स्टार्ट भी कर रहे हैं तो इसको छोटे स्तर से आप इसको चालू करें आप। छोटा स्तर मीन्स ये मान के चले कि आप 10-20 बकरी से चालू करें ना कि 50-100 बकरी से इसको चालू करें। 10-20 बकरी में क्या है कि आप उन 10-20 बकरियों के ऊपर आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं आपको शुरुआती खर्च भी कम आएगा खिलाने का खर्च कम आएगा और ये मान के चलिए कि आपको 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आपको पता चल जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ। अच्छा जब आपको लगेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को आगे मैं कर सकता हूँ तो फिर आप इसको भी बढ़ाइए फिर आप क्योंकि बकरी का बिजनेस ऐसा है कि आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ते हुए जाएगी सर। अच्छा ठीक है तो हमारे जो नए फार्मर हैं उसको आप क्या मैसेज दोगे कि ये बिजनेस कैसा है जी इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उदय जी मेरे हिसाब से ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये बिजनेस को करने का एक तरीका होता है छोटे स्तर से इसको चालू करें आप। ये चालू करने के बाद अगर थोड़ा सा अगर लॉस आता भी है तो इसको घबराए नहीं
बल्कि आप ये समाधान निकालें कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई है। अच्छा, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हो जाते हैं कि जब आपने फार्म चालू कर लेते हैं और फार्म चालू करने के बाद अचानक आपकी बकरियाँ मरने लगती है, आपके फार्म का खर्च अचानक बढ़ जाता है, वो तो थोड़े घबरा जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि घबराए नहीं और उसका थोड़ा सोल्यूशन उसका निकालें आप। क्योंकि बकरी फार्म में क्या होता है, देखिए सर, अगर आपने अगर आज से अगर फार्म डाला है तो ऐसा नहीं कि कल से आपको पैसा मिलना चालू हो जाए, आपको कम से कम 1 या 1.5 साल तक आपको थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है। ठीक है देवड़ा जी, इसे आपका जो ये फार्म है इसमें टोटल कितने जानवर हैं? उदित जी, अभी मेरे पास में ये 150 के आसपास मैंने जानवर है, सभी छोटे बड़े सब मिला के। अच्छा, मेरे फार्म की कैपेसिटी है 250 जानवर की कैपेसिटी है सर। अच्छा, तो ये जैसे आपके पास 200-250 जानवर हैं, इनके ऊपर काम करने वाले कितने वर्कर आपने रख रहे हैं? उदित जी, मेरे यहाँ पर 2 वर्कर काम करते हैं इसके ऊपर। नॉर्मली 50 बकरियों पर एक आदमी बड़े आसानी से काम कर लेता है। अच्छा जी, आपका काम क्या रहता है इनमें? देखिए, मेरा काम है ये रहता है कि मेरा काम से मॉनिटर कर रहता है। मैं देखता हूँ कि मेरे फार्म के अंदर मजदूरों ने कितना चारा डाला है, चारा डाला भी है कि नहीं डाला है, बकरियों के लिए पीने के लिए पानी है कि नहीं है, फार्म की साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात आती है कि आपके फार्म के अंदर कौन कौन से जानवर बीमार हैं, कमजोर हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रहता है। अच्छा, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा देवड़ा जी जी। और ये सेकेंड वीडियो है, पहला जो वीडियो अपन ने बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था, है ना, लगभग वो 9 लाख के समथिंग अभी 1 मिलियन होने वाला है, है ना। तो बहुत से भाइयों की रिक्वायरमेंट थी, इस कारण ये वीडियो बनाना पड़ा। ये आप देख सकते हो देवड़ा जी का फार्म और इनके पास की जो बकरियाँ हैं। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको इनका फार्म कैसा लगा, और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप ज़रूर कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम उन सभी सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक बार देवड़ा जी को हम धन्यवाद दे देते हैं। धन्यवाद देवड़ा जी, जब भी आपके पास आता हूं मैं और वीडियो बनाते हैं तो बहुत सी नई जानकारी मिलती है और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। उदित जी, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं, और जितने अपने जिस वीडियो को अपने जो देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं स्पेशली इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं कि आप हर एक फार्म पर जाते हैं और उस फार्म के अंदर जो मेन जो इन्फॉर्मेशन रहती है आप वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और वो हमारे बकरी पालक भाइयों को से आप वो शेयर करते हैं, वो चीज़ें सबसे अच्छी मुझे लगती है। और दूसरा ये है कि आपका जो क्वेश्चनिंग का रहता है वो आप सीधे सीधे ग्राउंड लेवल से आपको क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो एक्चुअल जो चीज़ें होती है वो फैक्ट होते हैं, और उन्हीं फैक्टों को आपकी वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक वो पहुँचाते हैं। वो तो मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। और जितने भी जो YouTube के सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप उदित जी के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू उदित जी, धन्यवाद।